वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम देखेंगे लेट का यूज, इस वीडियो में उसके क्या क्या यूज हैं और किस तरीके से यूज करना है उसे, और इसके साथ ही मेरे व्यूवर्स ने जो कमेंट किए हैं वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और जितने भी व्यूवर्स कमेंट करेंगे मैं उनके वीडियो के लास्ट में उनके कमेंट का जवाब दूंगा, उनको समझाऊंगा उस चीज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ लेट, तो मैं आपको बता दूं लेट का अर्थ है अलाउ, मतलब कि दो। लेट के प्रयोग के बाद मी, अस, हिम, देम आदि का प्रयोग किया जाता है। लेट का प्रयोग मुझे, उसे, हमें, उन्हें, करने दो के सेंस में होता है। इसका पॉजिटिव में स्ट्रक्चर देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। नेगेटिव में डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। और बाकी तो आप एग्जाम्पल से ही समझेंगे सही से। ठीक है, तो देखिए, लेट अस डू आवर वर्क, हमें अपना काम करने दो। नेगेटिव में डू नॉट लेट मनोज स्लीप हियर, मनोज को यहां सोने ना दे। लेट्स का प्रयोग सजेशन मतलब सुझाव के लिए भी होता है। स्ट्रक्चर है लेट प्लस अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या आप सीधा लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। हिंदी वाक्य में इनके वाक्यों के अंत में आता है चलते हैं, करते हैं, चलो करें आदि। एग्जाम्पल, चलो मनोज को फोन करते हैं, तो आप कहेंगे लेट्स कॉल मनोज। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेले। लेट्स गो बाय मेट्रो, चलो मेट्रो से चलते हैं। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट हिम ट्रैवल इन द मेट्रो, उसे मेट्रो में यात्रा करने दो। डोंट, आप डोंट भी कह सकते हैं, या डू नॉट लेट हिम प्ले फुटबॉल इन दैट पार्क, उसे उस पार्क में फुटबॉल खेलने ना दे, मतलब कि खेलने मत दो। लेट मी ड्राइव, मुझे ड्राइव करने दे या मुझे चलाने दे गाड़ी को। लेट इट बी, रहने दो, जाने भी दो। ठीक है, लेट इट बी, रहने दो या जाने भी दो, जैसे कोई बात होती है ना, अरे जाने दो यार, ये वाला। डोंट लेट हिम वॉक ऑन रोड, उसे सड़क पर चलने ना दे। लेट मी गो देयर अदरवाइज आई विल किल यू, मुझे वहां जाने दे अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। लेट हिम हेल्प द पुअर पीपल, उसे गरीब लोगों की सहायता करने दे। डू नॉट लेट हिम कम इन द हाउस, उसे घर में मत आने दो। He doesn't let me play with him. वह मुझे अपने साथ नहीं खेलने देता। मैं उसे अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ने देता हूं। I let him read my English book. वह मुझे अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ने देता है। He lets me read his English book. Continues में देखिए,
मैं उसे अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ने दे रहा हूँ। I am letting him read my English book. दे रहा था, मैं देखिए मैं उसे इंग्लिश की किताब पढ़ने दे रहा था। I was letting him read my English book. मैंने उसे अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ने के लिए दी। I let him read my English book. ये थोड़ा पास्ट है ना, पास्ट है, लेकिन लेट तो लेट ही रहेगा, उसकी तीनों तीनों फॉर्म लेट ही रहेगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी लेट, और ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेट। क्या उसने तुम्हें वहां जाने दिया? डिड ही लेट यू गो देयर? He will let you drive the car. वो आपको कार चलाने देगा। Did he let you do that? क्या उसने तुम्हें ऐसा करने दिया था? Does not your father let you play video games? क्या आपके पिता आपको वीडियो गेम नहीं खेलने देते या देते हैं? Let's entertain girls with dance. चलो नृत्य के साथ लड़कियों का मनोरंजन करते हैं। Let's go somewhere. चलो कहीं चलते हैं या कहीं चलते हैं। Let's go to eat something. चलो कुछ खाने चलते हैं। Let's party at home today because there is no one here. चलो आज घर पर पार्टी करते हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। आप कहेंगे Let's party at home today because there is no one here. ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब व्यूअर्स का जवाब देते हैं। व्यूअर्स ने मेरे से काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें से मैंने जो मेरे को अच्छे टॉपिक लगे उन्हें मैंने सिलेक्ट किया और उनके जवाब मैं देना चाहता हूँ। वो काफ़ी कंफ्यूज थे किसी किसी चीज़ में, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपकी भी कन्फ्यूज़न सेम हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। रामकृष्ण जी ने लिखा है हेल्पफुल वीडियो, प्लीज टेल मी इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो किसकी इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, मुझे लग रहा अच्छा हुआ खुद कर लिया, नहीं तो पलम्बर से नाली साफ करनी, मतलब करानी पड़ती। ठीक है, उन्होंने और क्या लिखा है, पड़ती की इंग्लिश क्या होती है। अच्छा सवाल है, लेकिन ये बहुत ही आसान है ना, मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। दोनों एक दूसरे से अलग तरीके से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से एकदम अलग ट्रांसलेशन है इनका। तो इन्हें कभी ये मत सोचना कि मैं हिंदी में जो शब्द बनाऊँगा वो इंग्लिश में उसी प्रकार से रखा जाएगा ग्रामर के मुताबिक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, आपने लिखा है अच्छा हुआ खुद कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा हुआ मैंने खुद कर लिया। ठीक है, नहीं तो पलम्बर से नाली साफ करवानी पड़ती। ठीक है, आपने ये लिख दिया, और इसकी देखिए मैं इंग्लिश बनाता हूँ क्या, इट्स गुड डैट आई डिड इट माई सेल्फ। अच्छा हुआ, अच्छा या अच्छा है कि मैंने खुद किया, अदरवाइज I could have got the drain cleaned by plumber. अन्यथा मैं प्लम्बर द्वारा नाली साफ करवा सकता था। ठीक है, तो आपके और मेरे
जो आपने लिखा है और मेरे वाक्य रचना में अंतर है। मैंने लेकिन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है कि खुद किया, पास्ट में किया, अन्यथा पलंबर से नाली साफ करवानी पड़ती, मतलब कि पड़ती मतलब कि वो करवा सकता था, है ना। तो मैंने एकदम चेंज कर दिया, मतलब लेकिन सेम है। तो आप इस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे कि वो समझ में भी आए अच्छी तरीके से। अगर आप ये चाहते हैं कि जो हिंदी के मुताबिक हर चीज हो जाए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आपने दूसरा सवाल किया है कि पढ़ता है या पढ़ती है कि इंग्लिश क्या होगी, तो मैं बताऊं इसके लिए आप नीड का यूज कर सकते हैं। तो मैं बताऊं ये पढ़ता है कि सेंस में भी आ जाता है, ये होता है इसका मतलब नीड का, आवश्यकता या जरूरत, ठीक है। तो ये उसी सेंस में आएगा, जैसे कि आपने लिखा था पढ़ता है, मैंने सकता था के रूप में बना दिया, मतलब सेम है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कहना है उसे ये करना पड़ेगा या करना होगा, तो दोनों का मतलब सेम है। आप सीधा कहेंगे ही विल बी डू इट, उसे करना होगा या करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है अजमा जैदी का कि इफ आई गेट माई इंग्लिश व्हाट्स फर्स्ट स्टेप, टेल मी व्हाट आई कैन डू, व्हाट इज बेस। इनका कहने का मतलब है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करूँ, उसका बेस क्या है। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है किस टॉपिक से इंग्लिश की शुरुआत करें, इंग्लिश सीखने की, ठीक है। और या तो आप पार्ट ऑफ स्पीच से भी शुरुआत कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत करेंगे आप, हल्का फुल्का हर चीज के बारे में पढ़ लीजिए, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, उनकी पूरी डिटेल मत पढ़िए स्टार्टिंग में। अगर तुम उनकी पूरी डिटेल पढ़ोगे तो उसमें उलझ जाओगे। उनके बारे में सिर्फ ये जान लीजिए नाउन क्या है शॉर्ट में, ब्रीफ में, और प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजक्शन क्या है, इन सब के बारे में शॉर्ट ब्रीफली जान लीजिए। उसके बाद आप सीधा टेंसेस पर आ जाइए, ये जानने के बाद सीधा टेंसेस पर आइए, यही है, ठीक है, शुरुआती टॉपिक। तो ये मैसेज परवीन कुमार जी ने किया है, सर प्लीज एक वीडियो खाली वर्ब का रेडी करें, मतलब कि इनका कहने का मतलब मुझे लगता है ये है कि सिर्फ वर्ब पे एक वीडियो बनाए। तो यार 835 वर्ब कम होती है या 1000 वर्ब कम होती है, दो वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है, वर्ब के ऊपर, अब इससे ज़्यादा तो वर्ब है नहीं मुझे लगता है, ठीक है। आप उन, और मैं बताऊँ मोस्टली यूज सिर्फ 400 या 500 वर्ब ही मोस्टली यूज होती है, जबकि मैंने 1000 वर्ब की लिस्ट बनाकर आपको दिखा रखी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए या मेरे चैनल पर जाइए और देखिए, वर्ब लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो विष्णु ठाकुर जी ने कमेंट किया है प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, तो इनका मतलब है कि मैं इंग्लिश में बोलूं, इंग्लिश में समझाऊं। हाँ ठीक है, मैं इसका आंसर देता हूं आपको। इफ यू वांट टू एन एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश बाय मी, सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट माय वीडियोस आर फ्रॉम इंडिया, विच मींस दैट देयर आर मोर पीपल हु अंडरस्टैंड हिंदी इन दिस चैनल, दैट्स व्हाई आई मेक वीडियोस इन हिंदी ओनली, यू नो माय डियर। मतलब कि अर्थात मेरे चैनल पर जो इंडिया से लोग हैं वो ज्यादातर हिंदी के माध्यम से समझते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे वो, है ना। अभी हमारा लेवल जो है वो बेसिक है, जब हम एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखेंगे तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपको समझा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करने वाला, क्योंकि ज़्यादातर लोग
हिंदी के माध्यम से ही सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिंटू गॉड ने कमेंट किया है, ये वीडियो बहुत अच्छी है सर, बट जो हिंदी में लिखा था वही आपने बोला था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में बहुत कंफ्यूजन है सर, और सब क्लियर है। ये है हैव कैन यू ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो ठीक है, मैं नहीं समझा दूंगा, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हिंदी में उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा, क्योंकि अगर अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा इन्हें तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो हिंदी के माध्यम से इसलिए सिखाता हूँ, क्योंकि हिंदी से ही तो इंग्लिश सीखेगा ना आदमी, कि इंग्लिश टू इंग्लिश सीख लेगा। हाँ, मानता हूँ कि आपने क्या कहते कि पहले से ही इंग्लिश सीख रखी है, तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट सीख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, तो मैं हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, एम्फैटिक और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर मैं आपको बता दूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पर ही परिवर्तित करने वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा वाक्य में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं होता दोनों में। फिर इसके बाद दोनों का यूज आप सेम भी समझ सकते हैं, इसमें भी कुछ गलती नहीं है, ठीक है। देखिए, बस बोलने में अलग है, एक रिफ्लेक्सिव बोला जाता है, एक एम्फैटिक। बस देखिए, मैं का माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव में भी एम्फैटिक में भी यूज होता है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये सब एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों में यूज होते हैं यही वर्ड। अब मैं एक सेंटेंस से आपको समझाता हूं, आई शैल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप करूंगा, और यही सेंटेंस हम लेते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, या मैं खुद करूंगा। हालांकि दोनों एक ही सेंस आ रहा है दोनों से, दोनों का मतलब भी सेम है, लेकिन आई के साथ अगर हम विल लगा रहे हैं तो ये एम्फैटिक कहा जाएगा, ठीक है। अगर ही सी इट नेम, ठीक है, ही सी इट के साथ हम सेल लगा रहे हैं तो वो एम्फैटिक कहा जाएगा। ये आपने टेंसेस में पढ़ा होगा या आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यही मिल जाएगा, ठीक है। तो आई शैल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर विल भी कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने ये किया है, आई विल डू इट माई सेल्फ, ये एम्फैटिक होता है, मतलब कि थोड़ा प्रभाव दिखाने के लिए हम अलग यूज करते हैं। जैसे आई वी के साथ हम क्या यूज करते हैं वैसे आमतौर पर, सेल्फ। तो हम जब हमें प्रभाव थोड़ा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा जोर डालना पड़ेगा अपनी बात पे, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, विल। और ही सी इट नेम दिस डैट के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल, तो वहां पर हम सेल का यूज करेंगे, प्रभाव या प्रभाव दिखाने के लिए, जोर डालने के लिए बात पर, ठीक है। ये अंतर बस, और कुछ भी अंतर नहीं है, मैं तो कहता हूँ इनकी इसकी कंफ्यूजन में मत रहे, बस ये जोर देने पर एम्फैटिक मान लीजिए उसे, और जोर नहीं दिया जा रहा, सिंपल ढंग से बनाया जा रहा है, तो वो है रिफ्लेक्सिव। इकरम खान जी ने किया है, थैंक यू सर, आपने मेरी बात सुनी, वेरी नाइस वीडियो, ठीक है, थैंक यू, मैं आपको भी कहता हूँ, नाइस कमेंट, आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ। ये इकरम खान जी ने फिर से एक कमेंट किया है, सही बात, फैसल, ठीक है, फैसल वर्ब भी बहुत तकलीफ देता है, ठीक है दोस्त, हम इस पे वीडियो बनाएंगे। सोनिया गर्ग ने बोला है, फैसल वर्ब की सीरीज भी स्टार्ट कर दो सर, थैंक फॉर दिस वीडियो। तो अच्छा, इनकी
ये जो इन्होंने क्या कहते कि वो किया कमेंट, उनके कमेंट पे इन्होंने भी अपनी सहमति दी है कि हाँ ये बहुत परेशान कर देता है। ठीक है, मैं इस पे वीडियो स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी टॉपिक अलग चल रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही इन पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स टू वॉच, टेक केयर, बाय।